हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूथ कंपटीशन आरआरबी 2022 गणित से साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस नंबर 60 से इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट आपका 71 तक दिया गया है टाइप टू। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 60 पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 शिफ्ट टू में। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपया कमाता है, 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी। यहाँ पर देख सकते हैं इसका सोल्यूशन किस प्रकार दिया है। 4% ब्याज दर पर दी गई राशि को x माना है और 5% पर दी गई राशि को 2000x माना है, यानी कि x मानकर बनाया हुआ है और हम जो बताते हैं बिगर x मानकर बताते हैं। डेट मीन्स कहने का मतलब रेशियो मेथड चलते हैं या हीट एंड ट्रायल चलते हैं या कुछ और। डेट मीन्स कहने का मतलब बुक वाला मेथड ना के बराबर रहता है, फिर भी कितना लोग कमेंट्स करते हैं कि बुक वाला मेथड ही बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आप देख सकते हैं इस वीडियो को, अगर जो पहले वाले वीडियो आपने अच्छी तरह से नहीं देखा है तो यहां से भी अगर जो देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बुक वाला मेथड ना के बराबर बताते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए और जहां से भी आप पढ़े होंगे पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप बनाते हैं, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर हम आपको इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन देने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का सोल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, उसमें से कुछ भाग को 5% साधारण ब्याज पर लगाता है यानी कि 5% पर और शेष भाग को 4% साधारण ब्याज पर लगाता है। तो कुल भाग पर यानी कि कितना परसेंट साधारण ब्याज होता है जो आप निकाल लीजिए। डेट मीन्स कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं यानी कि मिक्सचर का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो देखिए कुल पर कितना ब्याज होता है जो निकाल लेते हैं। तो यहाँ रफ हम कर रहे हैं, इधर हम रफ कार्ज कर रहे हैं। आपके पास रफ कॉपी होगा, आप रफ भी कर सकते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्वेश्चंस को इजी वे में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो देखते हैं कुल प्रतिशत ब्याज कितना होता है जो पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 96 रुपया कमाता है एक वर्ष में और टोटल उसके पास कितना है 2000 रुपया। तो परसेंट हमें निकालना है तो 100 से गुना करना होगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं कि 10 × 20 और ये 48 × 96, 48/10 यानी कि 4.8% आपका ब्याज है जो कुल ब्याज है। तो कुल यहाँ पर लिखते हैं बीच में, ये आपका 4.8% है जो कुल ब्याज है। तो ये दोनों का अंतर कितना का है, 4% और 4.8% का अंतर कितना का हुआ, तो 0.8% का अंतर हो गया। और 5% और 4.8% का अंतर कितना का हुआ, तो ये 0.2% का हो गया अंतर। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं यानी कि रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंट से परसेंट पहले कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक, मतलब डेसिमल हम हटा सकते हैं। ये देखिए 1 × 2 और 4 × 8, मतलब 4:1 हो गया। अब आपके प्रश्न में टोटल दिया गया है 2000 रुपया, यहाँ पर टोटल कितना है 4 × 1 = 5 यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर आपका कुल कितना है 5, ये आपका लिख रहे हैं कुल, कुल कितना है 5। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है आपके प्रश्न में 2000 रुपया। तो 5 में कितना से गुना करने पर 2000 होता है, यानी कि 2000 में आपको 5 से भाग देना है। दैट मीन्स इस तरह से आप रफ कार्ज कर सकते हैं, 2000 में 5 से भाग दे सकते हैं। तो 5 × 20 और 4 × 2 = 0, दैट मीन्स 400 में 5 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा, यानी कि 5 में आपको 400 से गुना करना होगा। तो 1 में भी आपको क्या करना होगा, 400 से गुना करना होगा और 4 में भी आपको 400 से गुना करना होगा। तो 400 के 1600 रुपया हो गया, ये आपका हो गया 1600 रुपया 5% पर, और 1 में 400 से गुना करेंगे तो ये आपका 400 रुपया हो जाएगा। तो 400 रुपया हो गया जो 4% पर, तो 4% पर आपका 400 रुपया हो गया और 5% पर हो गया 1600 रुपया। क्वेश्चन में किस पर पूछा है, 4% पर, तो 4% पर 400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर जो आपसे पूछता कि 5% पर तो कितना होता है 1600 रुपया, और बुक वाला मेथड आप देख सकते हैं कि x मानकर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अगर जो इस नियम को बनाने में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, और ये मेथड आपको पसंद हो, बुक वाला मेथड नहीं पसंद हो तो आप कमेंट्स भी जरूर करें कि हमें ये मेथड अच्छा लगा, तभी मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत कमेंट्स करते हैं कि आप बुक वाला मेथड ही बताते रहते हैं, तो बुक वाला मेथड तो नहीं है, क्लियर आपको दिख रहा होगा क्योंकि हमने इस तरह से आपको दिखा भी दिया है कि यहाँ पर एक्स मानकर बनाया हुआ है और हमने यहाँ पर आपको बताया है जो एलिगेशन मेथड है, यानी कि एक्स मानकर हमने नहीं बनाया है। अब तो क्लियर हो गया होगा, और भी आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी के जैसा, क्वेश्चंस नंबर 60 के बाद देखिए 61।
क्वेश्चंस नंबर देखिए 61 आपका पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट 1 में 600 रुपया दो व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपया है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपका ठीक उसी प्रकार से है जैसे पिछला क्वेश्चन हमने बताया है, तो पहले वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए, तब आप सॉल्यूशन देखिए। तो यहां पर देखिए हम बनाने जा रहे हैं, 600 रुपया दो व्यक्ति को दिया जाता है, तो पहला व्यक्ति को 5% पर दिया जाता है, पहला व्यक्ति को 5% पर दिया जाता है और दूसरा व्यक्ति को कितना परसेंट पर दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति को 10% पर दिया जाता है। तो कुल पर कितना ब्याज होता है जो पहले निकाल लीजिए। तो प्रश्न में लिखा है दोनों के ब्याज का योगफल 40 रुपया है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं कुल प्रतिशत ब्याज निकाल रहे हैं, कुल प्रतिशत ब्याज कितना होगा, तो दोनों का ब्याज का योगफल कितना है 40 रुपया, और यहां पर प्रश्न में दिया है कि 600 रुपया दोनों व्यक्ति में बांटा जा रहा है, तो 40/600 × 100 इसको सोल्व करते हैं, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और ये 20 × 40 और ये 3 × 6 दैट मीन्स कहने का मतलब 20/3% आपका है कुल प्रतिशत ब्याज। अब यहां पर देखिए कुल हम यहां पर लिखेंगे 20/3%, तो ये दोनों का अंतर करते हैं, डेट मीन्स कहने का मतलब 20/3% और 5% का अंतर कितना होगा, मतलब ये आपका बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसे घटावेंगे तो 3/5 = 15% और ये 20%, 15% और 20% का अंतर कितना हुआ 5%, तो 5% / कितना हो जाएगा आपका ये 3। उसके बाद 20/3% और 10% का अंतर कितना होगा, तो ये दोनों का अंतर करना है यानी बड़ा में से छोटा आपको घटाना है, डेट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर 3 × 30% और ये 20% का अंतर कितना हुआ 10% का, तो 10% / कितना हो गया 3। तो सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, परसेंट से परसेंट भी कैंसिल कर देते हैं और 1/5 और यहाँ पर 2/10, डेट मीन्स कहने का मतलब 2:1 हो गया। इसके बाद आपके प्रश्न में दिया है कुल कितना दिया है, आपके प्रश्न में 600 रुपया, यहाँ पर कुल कितना हो रहा है 2 और 1 = 3, यहाँ पर कुल हो रहा है 3, यानी 3 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 600 रुपया, तो 3 में 200 से गुना करने पर 600 हो जाता है, तो 1 में भी आपको 200 से गुना करना होगा और 2 में भी आपको 200 से गुना करना होगा, यानी कि ये 2 × 4 हो जाएगा और ये 1 × 200 तो ये आपका 200 हो जाएगा। डेट मीन्स आपसे क्या पूछा है, आपसे प्रश्न में पूछा है पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए, तो पहला व्यक्ति को कितना दिया गया है 400 रुपया और दूसरा व्यक्ति को कितना दिया गया है 200 रुपया, तो 400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर जो आपसे पूछता कि दूसरा व्यक्ति को कितना दिया गया है तो 200 रुपया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर देखिए 62 पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट 2 में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 रुपया हो जाती है, आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी। 915 रुपया हो जाती है, डेट मीन्स कहने का मतलब 915 रुपया क्या है मिश्र धन, तो परसेंटेज में मिश्र धन कितना है जो निकाल लीजिए। तो यहां पर देखिए 8% की दर से 2 वर्ष 9 महीना का पहले साधारण ब्याज आपको निकालना होगा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, तो साधारण ब्याज क्या होता है रेट इंटू टाइम का परसेंटेज, तो 8% आपका वार्षिक रेट दिया है और टाइम कितना है 2 वर्ष 9 महीना, डेट मीन्स कहने का मतलब 2 पूर्णांक 9/12 हम इसे लिख सकते हैं 2 वर्ष 9 महीना, तो 9 महीना को हमने वर्ष में कर दिया, ये 3 × 9 = 12, 4 × 8 = 3, 11/4 आपका वर्ष में हो गया, तो हम यहाँ पर 11/4 लिखेंगे और ये 4 × 8 कैंसिल करेंगे तो 11 × 2 कितना हो गया 22%, यानी कि 22% आपका क्या हो गया साधारण ब्याज, और मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, डेट मीन्स कहने का मतलब 100% + 22% यानी कि 122% आपका हो गया परसेंटेज में अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और प्रश्न में कितना दिया है 915 रुपया, तो 122% का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है 915 रुपया, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 915/122। अब आपसे प्रश्न में पूछा है आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो मूलधन कहने का मतलब होता है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 915/122 × 100। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 61 × 122 50 × 100
अब देखिए ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे या नहीं कैंसिल होता है तो भाग देकर देखेंगे। तो हम यहाँ पर भाग देकर देखते हैं यानी कि 915 में 61 से भाग देते हैं तो 61 एकम 61 और यहाँ पर 30 आपका शेष बचेगा, फिर ये 5 और 61 पचे कितना हो जाता है 305। डेट मीन्स कहने का मतलब 15 बार में पूरा पूरी ये कैंसिल हो जाएगा तो 15 गुना 50 करेंगे तो 15 पचे 75 यानी कि 750 रुपया आपका आंसर हो जाएगा मूलधन। कौन सा ऑप्शन है तो 62 का देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 63 क्वेश्चन नंबर देखिए 63 आपका पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 शिफ्ट 1 में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है, दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है। यानी कि दो राशि का साधारण ब्याज बराबर दिया गया है तो आपसे क्या पूछा है उसके मूलधन का अनुपात क्या होगा। यानी कि आपके प्रश्न में सिंपल इंटरेस्ट सेम दिया गया है दो राशि के लिए यानी कि P1 और P2 का आपके प्रश्न में रेशियो पूछा है कितना होगा तो ये क्या होता है 1/R1T1 = 1/R2T2। अब देखिए 1/R1T1 यानी कि पहला रेट और टाइम कितना दिया है 16% की दर से 3.5 वर्ष यानी कि 16 × 3.5 को आप लिख सकते हैं, 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है दूसरा रेट और टाइम कितना दिया गया है तो 5 वर्षों के लिए 12.6%, यहाँ पर हम 12.6 लिखते हैं और 5 वर्षों के लिए तो गुना 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2×8=16 डेट मीन्स कहने का मतलब 8×7=56 तो 1/8×7 ही रहने देते हैं और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा तो 1/12.6×5 करेंगे तो 6×5=30 बाकी 3 उसके बाद 12×5=60 और 3×63 यानी कि 63.0 डेट मीन्स कहने का मतलब 63 और ये कितना है तो ये 8×7 ये आपका 56 है, हम यहाँ पर 56 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो 7×8=56 और 7×9=63 फिर 9×1 तो ये आपका 9 हो जाएगा अनुपात 8×1=8 यानी कि 9:8। कौन सा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 64 क्वेश्चन नंबर देखिए 64 पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट 1 में जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5250 रुपया की राशि प्राप्त हुई, यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि 5600 रुपया होनी थी, निवेश की गई राशि कितनी थी। तो सबसे पहले आपके प्रश्न में दिया है 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 2% अधिक होता और दो मिश्रधन आपको दिया गया है 5250 रुपया और 5600 रुपया, तो यहाँ पर 5250 रुपया और 5600 रुपया का अंतर कितना का है तो 50 और दे देंगे तो 53 हो जाएगा, 53×3=56 यानी कि 350 रुपया का अंतर है। और यहाँ पर देखिए 5 वर्ष में 2% अधिक होता डेट मीन्स कहने का मतलब 5×10% आपका अधिक होता तो 10% का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया गया है 10% का वैल्यू 350 रुपया दिया गया है। तो क्या पूछा है निवेश की राशि कितनी थी यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है तो मूलधन का मतलब होता है 100% का वैल्यू तो 10% का वैल्यू 350 रुपया तो 100% का वैल्यू कितना होगा मतलब 10% में 10 से गुना करने पर 100 हो रहा है तो 350 में आपको 10 से गुना करना है यानी कि 3500 रुपया हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट में डायरेक्ट आप बनाना चाहें तो इस तरह से प्रश्न में 350 रुपया का अंतर है और यहाँ पर 10% का अंतर हो रहा है, आपसे मूलधन पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे और यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा 35×100 तो 3500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका भी बहुत ही अच्छी है और ये आपका डिटेल में थोड़ा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर देखिए 65 पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 3 में जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपया हो जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% अधिक की जाती तो यह राशि 3920 रुपया हो जाती है, निवेश की गई मूल राशि कितनी है। मतलब ये भी आपका पिछला क्वेश्चन से जैसा है तो पहले वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए, अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। आपके प्रश्न में 3640 रुपया दिया गया है पहला मिश्रधन और दूसरा मिश्रधन कितना दिया गया है 3920 रुपया दिया गया है दूसरा मिश्रधन,
तो ये दोनों का अंतर कितना का है, तो घटा लीजिए, यानी कि जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, बारह में से चार जाएगा तो आठ, और यहां पर आठ में से छह जाएगा तो दो, और तीन में से तीन जाएगा तो जीरो, यानी कि 280 रुपया का आपका अंतर दिया गया है। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, पांच साल के लिए 2% प्रति वर्ष अधिक यानी कि दर होता है, दैट मीन्स कहने का मतलब 5×10% अधिक होता, तो यहां भी 10% का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है, तो 280 रुपया, तो 100% का वैल्यू यानी कि मूलधन पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2800 रुपया। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और इसका शॉर्टकट बनाना चाहे तो मात्र इतना कर सकते हैं, प्रश्न में अंतर दिया है 280 रुपया का, 3640 और 3920 का अंतर कितना हुआ, 280 रुपये का, और यहाँ परसेंटेज में अंतर कितना का हो रहा है, तो 10 का, तो 280 का तुलना 10 से हमने किया, मूलधन निकालना है तो 100 से आपको गुना करना होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 28 गुना 100 तो 2800 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 सेक्ट 1 में एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन बटा 100 गुना रेट इनटू टाइम। अब देखिए आपके प्रश्न में साधारण ब्याज कितना दिया गया है, तो साधारण ब्याज 22 रुपया है, तो 22 को 22 बटा 1 भी हम लिख सकते हैं, और मूलधन आपसे प्रश्न में पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन आपको निकालना है, तो यहां पर हम भाग कर देते हैं और ये बटा 100। रेट और टाइम कितना दिया गया है, तो 22% की दर से 22 वर्षों के लिए, मतलब रेट भी आपका 22 है और टाइम भी आपका 22 है, तो 1/22 से 1/22 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं या जैसे भी गुना कीजिए, तो ये वाला भाग इधर ही रहने देते हैं, और यहां पर देखिए ये आपका 1/100 है, यानी कि 22/100 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/22 हो जाएगा, दैट मींस कहने का मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं व्हाट का मान क्या हो गया, तो 100/22। कौन सा ऑप्शन है, तो 66 का देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 3 में 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से ₹1 को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से 22 रुपया को निवेश करने पर मिलता है, 1:22 ज्ञात कीजिए। डेट मीन्स यहाँ आपके प्रश्न में दो राशि एक्स और वाई है, जैसे P1 और P2 रहता है दो राशि, तो यहाँ पर P1 के जगह पर एक्स दिया है और P2 के जगह पर वाई दिया है, और साधारण ब्याज आपका बराबर है। यहाँ पर आपके प्रश्न में दिया गया है कि साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है जो समान है यानी कि बराबर है, तो आप जानते हैं कि P1 अनुपात P2, दैट मीन्स यहाँ P1 के जगह पर x है और P2 के जगह पर क्या है, y है, ये क्या हो जाएगा, 1/R1 × T1 अनुपात 1/R2 × T2। अब देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, तो 1/R1 × T1, दैट मीन्स कहने का मतलब 5 वर्षों के लिए 9% की दर से, तो 9×5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 1/R2 × T2, तो ये आपके दिया गया है 6.25% की दर से 8 वर्षों के लिए, यानी कि 6.25×8। अब देखिए यहाँ पर हम गुना कर देते हैं तो 1/9 = 45 हो जाएगा, और यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6.25×8 आप कर सकते हैं, तो 8×5=40 के 0 बाकी 4, 8×2=16, 4×20 के 0 बाकी 2, 6×3=48, 2×50, 50.00 मतलब 50 आपका हो गया, तो यहाँ पर हम 50 लिख सकते हैं। अब देखिए कैंसिल करते हैं, तो 9×5=45, 10×5=50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे मतलब 1×10, तो ये आपका 10 हो गया, उसके बाद 9×1, तो 9 हो गया, तो 10:9 कौन सा ऑप्शन दिया है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 68 आपका पूछा गया है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट 2 में एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.14 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपया हो जाती है, निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है 2790 रुपया हो जाती है, तो हो जाना का मतलब होता है मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना दिया है 2790 रुपया, हम यहाँ पर लिख देते हैं मिश्रधन कितना दिया है 2790 रुपया, ये आपका निश्चित राशि हो गया 2790 रुपया, तो प्रतिशत में मिश्रधन कितना है जो निकाल लीजिए, तो सबसे पहले लिखा है 5% की दर से 3.14 वर्ष का, पहले एस आई निकाल लीजिए, परसेंट में एस आई कितना है, तो एस आई बराबर क्या होता है रेट इंटू टाइम का परसेंटेज,
तो यहां पर देखिए रेट कितना दिया है 5%, तो यहां पर हम 5 लिखते हैं गुना, और टाइम दिया है 3 पूर्णांक 1/4 वर्ष, मतलब 4 × 12 = 13/4 वर्ष आपका दिया गया है ये टाइम, तो इतना परसेंट आपका हो गया। यहां पर आप गुना भी कर सकते हैं, तो 13×5 = 65/4 हो जाएगा, हम गुना कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 65/4%, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका हो गया 65/4% SI। अब आपको क्या निकाल लेना है, अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, ये आपका होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन अपने आप में 100% होती है और प्लस ये 65/4%, 100% गुना 4 करेंगे तो 400% हो जाएगा, 400% में 65 जोड़ेंगे मतलब 465% / कितना हो जाएगा 4, ये आपका हो गया अमाउंट परसेंटेज में, 465% / 4% अमाउंट हो गया यानी कि मिश्रधन, और यहाँ अमाउंट कितना दिया है 2790 रुपया, यानी कि इतना परसेंट का वैल्यू 465% / 4% का वैल्यू दिया है 2790 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2790 / 465/4 इतना हो जाएगा। आपसे प्रश्न में मूलधन पूछा है, तो मूलधन कहने का मतलब होता है 100% का वैल्यू, तो 100 से आपको गुना करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये वाला 4 है जो ऊपर चला जाएगा, दैट मींस कहने का मतलब इस तरह से, अब इसको सोल्व कीजिए, तो बहुत ही इजी है, पहले 5 से कैंसिल करते हैं, पन्नामा 45 और 1 और 5 तो 5 × 15, और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 20×5 = 100। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 93 + 3 कितना होता है, तो 279 और ये 10। अब 30 × 20 × 4 करना है, यानी कि 3 × 6 = 24 पर 20, यानी कि 2400 रुपया, कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2400 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 पूछा गया है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 13/8/2018 शिफ्ट 1 में, ये भी क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है, तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट चलेंगे, 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि 6 पूर्णांक 1/2 वर्षों में 834 रुपये हो जाती है, प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी, तो 834 रुपये हो जाती है, तो 834 रुपये आपका क्या है, मिश्रधन, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 834 रुपये आपका है मिश्रधन, और यहाँ पर आपको परसेंटेज में मिश्रधन कितना हो रहा है जो निकाल लेना है, तो 6% की दर से यहाँ पर देखिए रेट, पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% की दर से 6.5 वर्ष का SI, मतलब 6 × 12 = 13/2 वर्ष का, तो देखिए 2×3 = 6 मतलब 33% / 39% आपका हो गया, ये हो गया आपका साधारण ब्याज परसेंटेज में 39%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन आपका 100% होता है, तो 100% + 39% यानी कि 139% आपका हो गया अमाउंट, यानी कि 834 / कितना हो जाएगा 139। आपसे प्रश्न में पूछा है मूलधन, तो मूलधन पूछा है मतलब 100% का वैल्यू, तो 100 से आपको गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर ये कितना बार कैंसिल होगा, 139 का 6 गुना हम करेंगे तो ये आपका 834 हो जाता है, 6 × 100 करेंगे तो 600 रुपया आपका हो जाएगा मूलधन, कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 69 का देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये हमने शॉर्टकट किया है, पिछला क्वेश्चन आपको डिटेल से बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 70 पूछा गया है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 9/8/2018 शिफ्ट 2 में किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता, आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, प्रश्न में दिया है ब्याज 375 रुपया अधिक होता, मतलब साधारण ब्याज का अंतर 375 रुपया दिया है, और यहाँ पर परसेंटेज में कितना हो रहा है साधारण ब्याज का अंतर जो निकाल लीजिए, तो पहले 7.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि 7.5 × 4 आपको करना है, उसी प्रकार से 7.5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी कि 7.5 × 5 आपको करना होगा। अब देखिए सोल्व करते हैं, तो 4×5 = 0, बाकी 2×4 = 28, 2×3 = 30, 30.0, और यहाँ देखिए 5×5 = 5, बाकी 2×7 = 35, 2×37, यानी कि 37.5% यहाँ हो गया, यहाँ आपका कितना हो गया 30.0, डेट मिस कहने का मतलब 30%, तो ये दोनों का अंतर कितना का है, तो 7.5% का अंतर है, आपके प्रश्न में अंतर कितना का दिया है 375 रुपया का, तो 7.5% का वैल्यू दिया है 375 रुपया, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगा, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 375/7.5, आपसे मूलधन पूछा है, डेट मिस कहने का मतलब 100% का वैल्यू, तो क्या करना होगा,
375 बटा 7.5 गुना 100, और ये डेसिमल हटावेंगे तो ऊपर में 10 से गुना होगा, 25 से 75, 25 चौके 100 और ये 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 तीय 36 और एक और 5 यानी कि 3 पच्चे 15, 125 तीय 375 हो जाता है। उसके बाद 125 चौके 500 गुना 10 यानी कि 500 गुना 10 करेंगे तो 5000 हो जाएगा। 5000 रुपया कौन सा ऑप्शन है? 70 का देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 21/8/2018 शिफ्ट 1 में 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित ₹1 पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक दर पर वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि ₹22 पर एक अनुपात बाय ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, यानी कि साधारण ब्याज आपके प्रश्न में क्या दिया गया है, सेम दिया गया है, मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताए थे। और आपसे दो राशि का अनुपात यानी कि P1 अनुपात P2 पूछ रहा है, तो ये क्या होता है 1/R1 × T1 अनुपात 1/R2 × T2। दैट मींस P1 के जगह पर X है और P2 के जगह पर यहाँ पर Y है, तो 1/R1 × T1। तो पहला रेट और टाइम कितना दिया है 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, मतलब 8 × 5 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 40% होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा रेट और टाइम कितना दिया है तो 7.5% की दर से 6 वर्ष का, तो 7.5 गुना 6 करना होगा, तो ये देखिए 1/8 × 40 हो जाएगा और यहाँ 1/6 × 30 के 0 बाकी 3, 6 × 7 = 42 और 3 = 45.0 मतलब 45, तो 8/5 = 40, 9/5 = 45, 9 गुना ये गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से, तो 1 × 9 अनुपात ये गुना करेंगे इस तरह से, तो 8 × 1 या 1 × 8 तो 9 अनुपात 8। कौन सा ऑप्शन दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर है 71, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 71 के बाद आपको टाइप कितना दिख रहा होगा 3, ये आपका 72 है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है, टाइप 3 भी आपका एक ही वीडियो में पूरा रहेगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसलिए। और इस बुक का दैट मींस कहने का मतलब यूथ कंपटीशन आरआरबी 2022 टेस्ट गणित का बेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं, सबसे सटीक सबसे अच्छा सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटे के बटन बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू देख सके। वीडियो का टाइमिंग हमेशा या तो 11 बजे रहेगा या 1 बजे रहेगा, ये फिक्स है, या तो 11 बजे या 1 बजे, यानी कि मॉर्निंग टाइम 11 AM, और अगर जो आप बोल सकते हैं दोपहर टाइम तो उसे हम बोल सकते हैं 1 PM, और रात वाला टाइम क्या रहेगा वीडियो देखने का आपका, तो 9 PM या 10 PM, 8 PM भी कभी कभी हो सकता है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर भी कीजिए ताकि वीडियो का रीच बढ़े और फिर उसके बाद हम और बेहतर से बेहतर आपको सोल्यूशन कराकर दे सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपने जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार मेरे प्लेलिस्ट में अगर जो वीडियो है तो आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में एक बार जाकर जरूर देखिए, आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अगर जो मिल जाता है तो बहुत अच्छी है, हमने भी बहुत सारा चीज बताया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।